एक और शर्मनाक हार के साथ पाकिस्तान हो सकती है वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट की जो लोग बड़ाई करते हैं, आज उनको ये आईना देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट की टीम कहाँ स्टैंड करती है। कहा जाता है कि ये ODI की नंबर वन टीम है। ODI की नंबर वन टीम जरूर है, लेकिन अगर इनका मुकाबला नेपाल से हो, अफगानिस्तान से हो, युगांडा से हो, नीदरलैंड से हो, तो मान सकते हैं कि ये ODI की नंबर वन टीम है। पाकिस्तान ये हालांकि नंबर वन टीम बन भी जाएगी अगर इनके साथ मुकाबला हो तो, लेकिन जब सामने हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आएगी तो यह टीम अपना असलियत दिखाती हुई नजर आएगी। बाबर आजम की तुलना हमेशा विराट कोहली से की जाती है, पर ये सर मानी चाहिए उन लोगों को जो लोग बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं, क्योंकि बाबर आजम हमेशा से ही मतलब बड़े मैच का प्लेयर कभी रहे ही नहीं है। और विराट कोहली को देखिए, जब भी टीम दलदल में फंसती है, विराट कोहली लीड करता है, अपनी टीम को आगे तक ले जाता है, विराट कोहली मैच जितवाता है, ये होता है बड़े प्लेयर की निशानी। पर जब भी बाबर आजम को जरूरत पड़ती है इनकी टीम को, तो ये कुछ नहीं कर पाते, हमेशा ये मैच हरवाएंगे, क्योंकि ये बाबर आजम है और वो विराट कोहली है। ये है बाबर आजम की औकात। आज भी देखिए बाबर आजम कितना गंदा शॉट खेल के आउट हो गए। तो यही है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर ऐसे नहीं बनते। बड़ा प्लेयर बनने के लिए ना अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। अब आज के मैच में क्या हुआ, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, और बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स जैसे कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्स, दोनों ने बहुत अच्छी साझेदारी की, जिसमें डेविड वार्नर ने 163 रन और मिचेल मार्स ने 121 रन की बहुत अच्छी साझेदारी की। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 363 रन तक रोक लिया। जहां ये 400 नजर आ रहे थे, वहां पे ऑस्ट्रेलिया को 363 रन तक पाकिस्तान की टीम ने रोक लिया था। शाहीन ने 5 विकेट ले लिए और 364 रन पाकिस्तान को मतलब टारगेट मिला था। पर ये टारगेट इतना बड़ा था कि पाकिस्तान सपने में भी इस टारगेट को पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ये श्रीलंका की टीम नहीं है जिसको आपने बहुत आसानी से चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने टकराने के लिए, हिंदुस्तान से टकराने के लिए दम होना चाहिए, जो बाबर, मोहम्मद रिजवान किसी से उतना उम्मीद नहीं रख सकते। जब भी पाकिस्तानी हार जाते हैं तो कुछ ना कुछ इनका रोना धोना लग जाता है। बाद में जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं सुनाया, तो कभी नारे नहीं लगाए गए, तो कभी भीड़ नहीं थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, इनका भिंडी रोना चालू हो जाता है। पाकिस्तान जब चेज करने आई तो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी रही, 134 पर तो इनका पहला विकेट गिरा था। उसके बाद तो लाइन लगना शुरू हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही होता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान अच्छी साझेदारी शुरू में कर लेता है, पार्टनरशिप भी अच्छी लगा लेता है, लेकिन एक आउट होने के बाद ना वो लाइन लगना चालू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत अच्छे से पता था, बस इनका एक आउट हो जाए उसके बाद तो ये ऐसे ही सौंप देंगे। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन इमाम उल हक, जिसने 70 रन बनाए, और अब्दुल्ला सफीक जो 64 रन, और रिजवान 46 बनाए। उसके बाद उम्मीद थी कि किंग बाबर से, पर वो कुछ खास नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट एडम जंपा ने कुल 4 विकेट लिए। पाकिस्तान की तो उसने कमर तोड़ दी थी, 2 हार मिल चुकी है और पाकिस्तान अब पॉइंट्स टेबल में अब 5वें स्थान पर हो गई है। पाकिस्तान का आगे का सफर बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आगे इनकी जितने भी मुकाबले हैं बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ है, तो बहुत ही मर के इनको जीतना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 4 में आना है तो जीतना पड़ेगा। तो यहां से तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आगे इनके बहुत सारे मुकाबले जो हैं, मतलब इंग्लैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, मतलब बहुत बड़े बड़े टीमों के साथ मुकाबला है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का असली हार का जिम्मेदार जो है कौन है, और यहां से क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का रास्ता खत्म होते हुए नजर आ रहा है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।